नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर से संबंधित समस्त महाविद्यालय के जो रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र हैं प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के, जो सत्र 2024 में अपना एग्जाम फॉर्म भर के परीक्षा देने वाले हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे परीक्षा फॉर्म भरने की जो जानकारी है वो आ चुकी है। तो आप अपना परीक्षा फॉर्म कब से कब तक यहाँ पे भर सकते हैं, इसकी जानकारी के लिए इस वीडियो में हम पूरी जानकारी आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आप यहां देख सकते हैं आपका जो नोटिफिकेशन है महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय छतरपुर की तरफ से 11 मार्च 2024 को जारी किया गया है, जिसमें परीक्षा फॉर्म भरने से संबंधित जानकारी दी गई है, जिसमें मार्च 2024 सत्र में आपका परीक्षा फॉर्म यहां पर भरना प्रारंभ होगा, जिसमें आप प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राएँ जो कि रेगुलर एवं प्राइवेट छात्र छात्राएँ अपना परीक्षा फॉर्म यहाँ पर फिल कर सकते हैं, जो कि आप MP ऑनलाइन के पोर्टल से आप भर पाएंगे। आप फॉर्म भरने के लिए जो यहाँ पर डेट दी गई है वो कितनी है, तो समस्त छात्र जिसमें BA, BSc, BCom, BHSc, BBA, BCA आदि के जो छात्र छात्राएं हैं, उन सभी के लिए यहां पे जो है परीक्षा फॉर्म भरने की डेट है वो 13 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 तक रखी गई है। यानी आप 13 3 2024 से 31 3 2024 तक अपना परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इस डेट में फॉर्म फिल नहीं कर पाते हैं तो ₹750 अतिरिक्त शुल्क के साथ आप जो है 1 अप्रैल 2024 से 5 अप्रैल 2024 तक अपना फॉर्म यहां पर भर सकते हैं। इसके बाद आप सभी को जानकारी बता दें, अगर आपने अभी तक अपना ABC ID नहीं बनाया है तो समस्त छात्र छात्राएं ABC ID बनाकर अपने कॉलेज या महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है, जमा करें और परीक्षा फॉर्म से संबंधित जानकारी में आप उसे फिल करें। इसके बाद इसकी जो लिंक है वो आपको MP ऑनलाइन के पोर्टल पर मिल जाएगी, वहाँ पर डायरेक्ट आप जाकर जो अपना MP ऑनलाइन पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको डेट का विशेष ध्यान देना है, इसी डेट में आपको यहाँ पे परीक्षा फॉर्म फिल करना है। इस वर्ष की जो परीक्षा है वो लेट हो चुकी है और यहाँ पे बहुत जल्द आपका जो टाइम टेबल है वो भी जारी कर दिया जाएगा, तो जो रेगुलर और प्राइवेट छात्र छात्राएँ हैं वो अपना परीक्षा फॉर्म यहाँ पर भर सकते हैं। और कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट के माध्यम से हेल्प करने का पूरा प्रयास करेंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।